वही 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 ये तो वही है तू तो वही मैंने बोला था यार आपको यार अपने कुछ ओ ओ वही 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 वो क्या चीज़ है रुक जा अरे यार अरे यार बहुत घूमे इस जंगल में यार साहब ये जंगल मेरी जिंदगी में ऐसा जंगल नहीं देखा आज तक एक बहुत ही तो खतरनाक कुत्ता कुत्ते दिखा आपको मैं आपको निकलो 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 अरे आ जाओ भाई यार 3 घंटे से ज्यादा हो गए भटकते हुए यहाँ पे कोई भी सुराग नहीं है। एक चीज मिली थी दोस्तों यार आपको भी बता दूं मैं पता नहीं ये क्लिप है अपलोड भी कर पाऊंगा मैं या नहीं हम भी यहाँ से जिंदा निकलेंगे या नहीं कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभी लेकिन एक थोड़ी सी खुशी मिली थी हमें वो ये थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि यार अभी लगभग आधे घंटे पहले मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था और वो नोटिफिकेशन ऐसा था वो था जितेंद्र मारोटिया के चैनल के एक्सेस से रिलेटेड मतलब उन्होंने अपने चैनल का उनका चैनल का जो अकाउंट है यूट्यूब का उसका एक्सेस मुझे दिया था मतलब वो चैनल अब मैं मेरे फ़ोन में भी यूज कर सकता हूँ। तो यार जैसे ही उन्होंने और उसके साथ एक बंदे का और नोटिफिकेशन आया था वो आया था मनोज भाई का उसको भी शायद उन्होंने ये एक्सेस भेजा है। तो यार जैसे ही वो पता लगा तो मुझे ये तो कन्फर्म हो गया कि अभी तक जंगल काफ़ी घना है जीतू भैया इस जंगल में है और जिंदा है तो ये थोड़ी सी तसल्ली है। बट मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी कहीं भी दूर दूर तक कोई भी सुराग नहीं मिला। सुराग के नाम पे दो चीज़ सामने थे एक डोगी था अचानक से वो उस भूतिया लड़की को देख के उसके पीछे भगा था उसके बाद ना वो लड़की दिखी ना वो डोगी दिखा कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई थी उसका भी हमने पीछा करा बट वहाँ पे भी कोई प्रूफ नहीं मिला और जीतू भैया का वो चंदन का सीसी और वो बिस्किट के पैकेट के कवर इसके अलावा हम कोई नतीजे पे नहीं पहुँचे। और एक चीज़ थोड़ी सी हमें गुड न्यूज़ मिली थी कि यार उनका कोई तो नोटिफिकेशन आया बट वो भी अब ऐसे लग रहा है कि उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो यार समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि करे तो क्या करे सारा जंगल छान मारा जहाँ तक हुए ना कोई चीज़ आ रही है रिक्वेस्ट कर ली भगवान से कर ली प्रे करके देख ली और मेरे फ़ोन में भी दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेटवर्क आए तो यार कहीं ना कहीं से मनोज जी से संपर्क करूँ या किसी और से करूँ किसी और कॉल या बुलाऊँ तो शायद हमें मदद मिले बट नेटवर्क नहीं आ रहा और एक पहाड़ दिखा है तो उसी तरफ बढ़ते हैं और शायद पहाड़ पे चढ़ने के बाद तो मेरा दिल कह रहा है कि नेटवर्क आएगा। भाई लाइट बढ़ा के रखो दोस्तों जंगल में कोई रास्ता नहीं है कि जाए तो जाए कहाँ बस एक चीज़ है दिमाग में कि यार यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो बस जीतू भैया तक पहुँचना है क्योंकि अच्छे लोगों के साथ भगवान भी हमेशा अच्छा करता है। और अभी है ना थोड़ी देर के लिए है ना हमें उस कुत्ते की आवाज़ आई थी बट वो डोगी ढूंढने पे भी हमें नहीं मिल रहा और हम भटकते भटकते जहाँ पे जीतू भैया ने आग जलाई थी ना उस जगह से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। भाई भैया आगे देखो पेड़ हिल रहे हैं तो आवाज़ भी थी यार हाँ। देखो कांटे भी हो रखे हैं हम कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ मुझे लग रही है जो मैं आप लोगों से बता दूँ यार कि मेरा दिल कह रहा है कि वो भूतिया लड़की हमारे आसपास है। तो भाई आगे से आवाज आ रही है ना हाँ दोस्तों मेन चीज ये है यार लगभग इन 3 से 4 घंटे में 4 से 5 बार हमारे पाँव के नीचे से सांप निकल चुका है ठीक है। लास्ट वाला जो भी था ना शायद वो कोबरा था और इतना बड़ा था दोस्तों 4 से 5 फीट का बट हमारा कैमरा चालू नहीं था इस वजह से वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। और ये जंगल मेरे को एक मायावी जंगल लग रहा है। प्रदीप भैया आपके पीछे की तरफ जंगल देखो यार एक बार। यही तो कह रहा हूँ मैं भाई कि दोस्तों ये जंगल ऐसा है इतना मायावी है कि अचानक से तो है ना बिल्कुल खुला खुला सा हो जाता है अचानक से इतने पेड़ आ जाते हैं देखो। अब इसमें हम आगे बढ़े तो बढ़े कहाँ कोई रास्ता तक नहीं है यार कि यहाँ से निकल के देखे हम कुछ जीतू भैया गए कहाँ पे है यार कोई पता ही नहीं लग रहा
भाई अपन तो उस पहाड़ पे चलते हैं। देखो मेरा दिल कह रहा है कि ना पहाड़ की तरफ चलते हैं, जब तक नेटवर्क नहीं आता ना फोन में। यहाँ पे भी यार तो छोटी सी चट्टा आने वक्त एक भी सिग्नल नहीं आ रहा यार। भाई स्पेशली नीचे जरूर ध्यान रखना जमीन पे, क्योंकि अगर सांप आपने काट लिया ना अपने को लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो क्या अपने साथ वो जो लास्ट टाइम अभी अपने को जितेंद्र भैया की आवाज चीखने की सुनाई दी थी ना, अपन गए आगे जाने के बाद अपने को डोगीर वो लड़की दिखी लेकिन जितेंद्र भैया नहीं थे, है ना, लेकिन आवाज जीतू भैया की थी वो। वही वो डोगी भी गायब हो गया ना यार। लेकिन अरे चलावा ये भाई बिना टाइम वेस्ट करे, है ना, वहाँ पे बड़े आप तो फटाफट से इस पहाड़ की तरफ, है ना, इसी तरफ है ना वो। अच्छा जल्दी आ जाओ, आ जाओ अंदर में पता अलग नहीं लगता क्या है कहाँ पे। भाई देख रही है एक ही बच्ची अपने पास, ये बैटरी बंद नहीं होनी चाहिए बस। देखो इधर आते ही बिल्कुल चेंज हो गया पूरा, है ना, ये चारों तरफ ऐसे ही जंगल है, तो इतना घना है यार। भाई मेरे को लग रहा है सालों तक इस जंगल में कोई नहीं आया। मैं आगे आओ भाई इस तरफ चलो। हाँ अगली तरफ है ना। भाई इस तरफ यार फिर से इसी तरफ से आवाज है, इधर करने का सर वो भी बच्ची दिखी थी मेरे को कसम से। भाई वो गायब कहाँ हुए लेकिन, है ना, वो पहले की तरह गायब हो गई अचानक से। और ना ही वो कुत्ता दिख रहा है वापस, वो भी अचानक से गायब हुआ है। भाई वो कुत्ते का तो कनेक्शन उसी से है, वो मेरे को भाई एक चीज समझ में नहीं आ रही, वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। भाई वो अपने को दिखी है ना तो वो जितेंद्र भैया को भी दिखी है। दोस्तों यार कसम से ऐसी सिचुएशन में फंस गया आके के क्या करूँ कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। जैसे बात कर जाए बाहर निकले किसी और को बुलाए। भाई यहाँ पे तीन रास्ते जा रहे हैं, भाई किस तरफ चले, फर्स्ट वाले पे चले सेकंड पे चले, सेकंड पे चले। आओ भाई सेकंड वाले पे आओ भाई, ये तो सीधा ये जंगल में से भी जा रहा है पूरा। भाई इस तरफ चले भाई, पीछे आवाज सुनना, पीछे 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 से आवाज सुनना एक बार। वही आवाज आई इस तरफ से आई, इधर से आई। वो क्या है पूरी वो सामने सामने सामने, है ना, वो क्या चीज है यार। भाई ये क्या चीज है भाई, आ गया ना कोई है वहाँ। जीतू भैया नहीं नहीं भाई जीतू भैया नहीं है, जीतू भैया नहीं है, जीतू भैया पास मत जाओ। वो ये क्या है भाई, भाई भाई कोई जीतू भाई है, मुझे बच्चे के साथ दिखी थी, निकल निकल निकल। भाई भागना गलत हो जाएगा यहाँ से, इधर का लाइट इधर का, इसको देखने है वो है क्या ये। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वही चीज है जो अपने को पहले दिखी थी, जब वो एक छोटा सा ब्लैक सा बच्चा है पता नहीं क्या दिखा था, गर्दन हिलाता हुआ, उसके साथ ये खड़ी थी कब्र के पास भी दिखी थी। आ गया भाई, अरे यार अभी उसको देखना तो सही है लेकिन डर भी लग रहा है यार कहीं कुछ हो ना जाए यार। रास्ता किस तरह से, एक दो तीन छोड़ो ना यार अपन तो चलते यार घर पे यार भाई। तीन साढ़े तीन घंटे होने वाले यहाँ पे, कब से घूम रहे पागलों की तरह। मैं हूँ ना, मैं जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है तू, ठीक है भाई आपको कुछ नहीं होगा। ऊपर आप तो लाइट तेज कर दीजिए, देखो कौन से पेड़ के पास थी, कहीं नहीं दिख रही यार भाई यार वो तो यार नहीं। 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 नहीं।
यार वो चीज क्या थी? अरे यार जी रघु भैया, जितेंद्र भाई साहब को अपन को क्या मतलब है? अपन चलते हैं ना यार, अपनी जान फिर जाएगी उनके चक्कर में यार। कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे कब से पागलों की तरह जान बचाइए यार। जब कोई नहीं था ना, वो बंदा था एक जो मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ लेके घूम रहा था, कैसे कैसे बड़े बड़े गुरुदेव को उसने बुलाया था भाई। तो उस बंदे के साथ आज बुरा हो रहा है ना तुम। अरे यार भाई वो तो सही है, लेकिन यार कहीं अपने कुछ ना हो जाए यार उनके चक्कर में यार। मिलेंगे जो भी दिखी थी ये अपने को यहाँ भ्रमित कर रही है शायद। अब ये सामने आई ना वो भूतिया बच्ची जो अच्छी आत्मा है ना उस डोगी के साथ, अब अपने को रास्ता दिखाएगी। चलो कितनी तेज आवाज आ रही है, वो देखो पेड़ हिल रहे ऊपर से, बाकी और पेड़ कोई भी नहीं हिल रहा, वो पेड़ हिल रहा है सिर्फ वो। भाई वो बच्ची आसपास है। देखो बेटा, अगर आप हमारी थोड़ी भी मदद करना चाहते हो तो हमें सामने आके दिखा सकते हो। देखो आपके साथ जो डोगी है ना उसकी हमें अभी भी आवाज आ रही है कंटिन्यू फोन से। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, हो जाएगी भाई। बेटा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज एक बार मेरे को जितेंद्र भैया तक पहुंचा दो। शायद भाई कहीं जितेंद्र भैया भी उस लड़की के पीछे पीछे तो नहीं गए भाई। हो सकता है यार कुछ भी, शायद उसके पीछे पीछे गए। जब अपने को दिखती हो उस टाइम जीतू भैया को ना दिख रही हो, उनको जब दिखती हो अपने को ना दिख रही हो भाई। ये जंगल बढ़ता ही भाई, जा रहा है। तो जीतू भैया मिलेंगे जब मालूम पड़ेगा। जा रहा भाई, ठीक है आवाज आपकी बार बार फॉलो करते हैं, अब नहीं छोड़ेंगे। ओ ओ ओ भाई 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 भाई, वो क्या चीज है? सामने आ गई। ओ भाई देखो आप कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? यहाँ पे एक वो बच्ची है, हमें वो चाहिए, वो कहाँ पे है? बस भाई भाई निकल भाई। मैंने बोला था यार आपको यार अपने कुछ हो जाएगा यार, मैं बोल रहा हूँ यार चलते हैं यहाँ से। यार भाई यार कोई ऑप्शन नहीं है, जान चली जाएगी अपनी और कुछ नहीं। बजरंग बली अपने साथ भाई, इसके पास चल यार, मरवा के छोड़ो यार अदबी यार। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे जीतू भैया का पता यही बता सकती है। आ गया अभी वो, देखो यार वो फिर गायब हो गई यार। वो राधे भी यार अपन चला हुआ हो रहा है अपने साथ में, बोल रहा हूँ ना। नहीं तो इसी पेड़ के पास भी गायब हो गई हो, पता नहीं कहाँ आ गए यार। जंगल में घूमते घूमते यार पेड़ देख यार पूरा सूखा हुआ है। पूरे जंगल में ये एक पेड़ ऐसा है जो सूखा हुआ है भाई, सूखा हुआ भी और जला हुआ भी लग रहा है मेरे को। ये देखो इसकी टहनियां कैसी टूट रखी है, आधी आधी जल जल के। भाई तू घबरा मत, अपन नहीं फंसेंगे, मेरी गारंटी है। डर लग रहा है यार भाई, मैंने यहाँ पे आते टाइम रास्ते में क्या क्या करते आ रहा हूँ पता है ना तुझे? हाँ भाई क्या वो तो सही है, आपकी समझदारी है। आप जगह जगह जहाँ जहाँ से आ रहे हैं निशान छोड़ के आ रहे, जो अपन को रास्ता याद रहे। अपन यहाँ भटकेंगे नहीं, ठीक है? अपन पागल नहीं है जो जहाँ जिधर हुए उधर भाग लिए। अभी पीछे भी मैंने एक टहनी तोड़ी थी ना, टहनियाँ तोड़ तोड़ के चल रहे, वही अपना याद है मेरे को निशान। क्यों ये कैसी आवाज थी भाई? शायद किसी की किसी ने पुकारा मुझे। क्यों भाई? भाई यार कोई चलावा तो नहीं हो ना अब की बार? नहीं नहीं भाई, अभी जो पहले वहाँ पे नेटवर्क आया था ना, क्या पता तो वही चीज आवाज लगाई हो आपको। शायद उस तरह मनोज भाई आ रहे हो भाई, वो देखो इस तरफ से कोई आवाज आ रही है। मनोज जी भाई मेरे को नहीं लग रहा आपको भाई। मनोज जी आ गए सर,
मनोज जी मैं राधे पता नहीं मनोज जी है भाई चलो 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 तू दौड़ के चलो दौड़ के चलो मनोज जी और हिमांशु भाई आ गया जो मनोज जी अरे यार अरे यार बहुत घूमे इस जंगल में यार भाई साहब ये जंगल मेरी जिंदगी में ऐसा जंगल नहीं देखा आज तक एक बहुत ही तो खतरनाक कुत्ता कुत्ता दिखा आपको मेरी आंखों से है ना एक लड़की भी दिखी एक लड़की व्हाइट ड्रेस में चमकती पता नहीं कुत्ता जैसे ही गायब हुआ वो लड़की दिखने लगी भाई साहब मेरे को एक है ना ब्लू कलर में एक चीज दिखी थी और लड़की भी दिखी थी पर अभी जब से एक डेढ़ घंटे से हम ढूंढ रहे ना वो भूतिया बच्ची नहीं दिखी हल्की सी दिखी थी और वो डॉगी भी दिखा था उसके बाद गायब है कुछ भी नहीं बस उनकी एक आग जलाई हुई दिखी थी वो पीछे की तरफ मैंने छोड़ दी ठीक है वो जीतू भैया ने जलाई थी ये शोर था मैं लेकिन वो कुत्ता और वो लड़की दिख जाए ना तो शायद अपन वहां तक पहुंच सकते हैं कुत्ता मेरे को दिखा था एक बार दिखा था दिखा था पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं आगे जो यहाँ पे लगभग तीन चार आत्माएं हैं ठीक है एक तो कोई भूतिया बच्चे की वो अपने को सही रास्ता दे रही है वो देखो देखो वो व्हाइट सी चीज दिख रही है ना अजीब सी पास में जाते गायब हो जाती है ऐसे हो रहा है और एक है ना ब्लू कलर का ऐसे कुछ अजीब सा चीज दिख रहा है मोटा सा अभी आगे जब मैं आया था ना बहुत खतरनाक टाइप का जंगल था और वहाँ काफी सारी ऐसी हड्डियां सांप वगैरह सब वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे इतना और एक और मैं बता दूं पेंसिल भी मिला वो तो लाइटें सारी बंद करनी पड़ी हुई सावधानी से आगे जो वगैरह वगैरह बहुत है भाई दूरी बना के मत रखना ज्यादा पास पास रहना भाई दोनों को ढूंढना है यार कैसे भी करके आवाज लगाए क्या आवाज मार ली आवाज और वहाँ से ना नेटवर्क की कोशिश करते हैं क्या जीतू भैया से संपर्क हो पाए राधे भाई जल्दी करो क्योंकि इस जंगल में इस पेड़ के आसपास एक बार घूम के देख लो एक बार भाई आगे आ जाओ यार लाइट तो रखो कोई तो यार डरने की ज्यादा बात नहीं लेकिन फिर भी सावधानी अपने साथ है सावधानी रखनी है देखो कह रहा हूँ ना यार यार ये चीज भटका रही है दिख रही है ये मेरे को दिख रही है कब से तीन बार हो गया क्या करें इसका पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो बड़ा बड़ा पीछे हटो लाइट करो ये देखो इसके पास जैसे आगे बढ़ते हैं ना ये जैसे गला दबाने जैसा करती है लग रहा है ये बहुत शैतानी ताकत है ये है ना और हो सकता है वो जो भूतिया बच्ची सुनो सुनो ये कुत्ते की आवाज सुनो शुक्र को मनोज जी मेरे को लग रहा है अब तक ऐसा कुछ हुआ ना तो शायद अपने लिए अच्छा हुआ कि अपन अभी जिंदा है ये चीजें दिख रही है अगर ये अपने को मारना चाहते ना अब तक मार देती क्योंकि भगवान अपने साथ है शायद इस चीज के पास ही चलना पड़ेगा और यही अपने को है ना ये देखो देखो ये क्या है जानवर बहुत है इधर तो देखो इसको ये हड्डी है यार छोड़ो टाइम वेस्ट मत करो जय मिनट ओ देख तू भाई अरे बच्ची कहां से आ गई इसके साथ मैंने कुत्ता देखा था आपने भी देखा ना हां ये वही बच्ची है बेटा देखो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है क्या आप हमें जितेंद्र भैया तक ले चल सकते हो क्या वो जिंदा है वो नुकसान पहुंचाने वाली लग रही है भाई वो जा रही है वो कहां गई भाई वो आगे चल जा रही है वो दौड़ के जा रही है भाई भाई वो बकरी है
देखना, ये देखो ये भाग भाग के गायब हो जाती है भाई। कितनी देर बाद में ये अपने सामने है ना। अगर ये है ना तो भाई मनोज भैया कसम से ना एक डोगी भी आएगा देखना। अभी 2 घंटे पहले मेरे साथ था वो, फिर अचानक से वो जा रही भाई। एक बार बहुत आ रही है यार। अब इसके पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये उसे तो जीतू भैया तक अपने को पहुंचा दे। भाई दोनों तीन मित्र, वो कोई और भी है यार। आगे चल एक बार। तू भाई ये क्या है भाई? सुरेश भी यार दोनों मिले हुए हैं। बेटा देखो ये आपके साथ कौन है हमें नहीं पता, बस हमें हमारे जीतू भैया चाहिए। क्या आप हमें वहां तक ले चल सकते हो? उसके चेहरे देखो। निकलो। अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ।